अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मदीहा किरण, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, APS फोर्ट रोड, रावलपिंडी। चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेक्चर नंबर 1, वीक नंबर 7, पेज नंबर 27 एंड 28। ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू नो अबाउट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड वाइल सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Students, you will be able to know about the statistical methods applied for analyzing the data that is already being organized. Recap of the previous lessons. These were all the steps we gone through all this week, throughout these 2 weeks. Steps of biological problem with example of malaria. Recognition of the biological problem, observation, formation of hypothesis, deduction, experimentation, summarization of result and reporting the results. Textbook page number 27-28. Today's topic is data organization and data analysis. Data organization and data analysis. First thing is, what is data? Data is set of information. It could be names, it could be dates, it could be any value, any information. ठीक है, इट कुड बी सम काइंड सम कलर शेप, किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन होगी तो वो हमारे पास डाटा होगा। एंड हाउ इज डाटा कलेक्टेड? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ नेम्स, कुछ डेट्स, कुछ वैल्यूज, कुछ नंबर्स आते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डाटा। ठीक है, एंड डाटा हैज टू बी ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज? Data collection method should be well defined before the conduction of the experiment. It should be well decided किस तरह से data collect किया जाएगा, उसको किस तरह से present किया जाएगा। Data collection and then organized by scientists, why it is organized, collected and then organized to test the hypothesis. ठीक है, ताकि जो hypothesize किया था at the beginning of the experiment, जिसकी basis पे हमने deduction निकाली थी और फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमें रिजल्ट आया, अब हमने देखना है कि क्या हमारा रिजल्ट हमारे हाइपोथेसिस से मैच करता है, क्या हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डाटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है ताकि हम उसको ऑर्गेनाइज करें और फिर हम उसको स्टडी कर सकें और फिर हम कंपेयर कर सकें उसको विद आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, हम उसको टेस्ट कर सकें। डिफरेंट फॉर्मेट्स इन विच द डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स। ठीक है, लाइक यू कैन सी टेबल्स, फ्लो शीट्स हैं, इस तरह ये मैप है जिसपे कोई डाटा जो है वो आप देख रहे हैं, नंबर्स की फॉर्म में डाटा शो हुआ हुआ है। इसी तरह जो बार चार्ट्स वगैरह होते हैं उस तरह से आप डाटा को शो कर सकते हैं, या पाई डायग्राम। इस तरह से जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो डाटा बहुत ईजिली हमारे लिए एक पिक्टोरियल, बहुत आसानी से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम पाई डायग्राम की बात करें तो हमें कितनी आसानी से किसी भी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हो, किसी भी ट्रेड को, किसी भी हमारे एक्सपेरिमेंट जिस चीज़ के बारे में हो, तो हमें कलर्स की फॉर्म में आप देखें परसेंटेजेस इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम डाटा को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस मैप, ये भी डाटा जो है हमें कंपेरिजन दे रहा है। तो डाटा ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं तो एक्चुअली हम इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि हम उस डाटा को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको एनालाइज ये कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि क्या हमारा डाटा जो है, क्या हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो हाइपोथेसिस से एग्री कर। डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एन एक्सपेरिमेंटेशन। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, कंपैरिजन बहुत जरूरी है डाटा का। जब हम ये एनालिसिस करेंगे तभी हम कह सकेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था या नहीं। सक्सेसफुल तब कहेंगे कि जब हमारा हाइपोथेसिस हमारे रिजल्ट के साथ मैच करेगा। ठीक है, डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मैथड। और हमें डाटा एनालाइज कैसे करना है? बाय द यूज ऑफ स्टैटिक्स। याद है पीछे हमने बायोमैथमेटिक्स पढ़ा था, बायोमेट्री पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि मैथ्स के टूल्स जो हैं वो बायोलॉजी में यूज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है, बायोमेट्री कहते हैं उसको। जैसे उसमें एग्जाम्पल स्टैटिकल एनालिसिस आ जाती है, जिसमें दो एग्जाम्पल की बुक में है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों कोई नई चीजें नहीं है, आप इनसे वाकिफ हैं, मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वॉट इज रेशियो? The relationship between two numbers. For example, if the two numbers are a and b and they are expressed in the form of quotients like a divided by b, then it is called ratio. ठीक है? It can be expressed by putting the division sign, colon sign,
टू मार्क बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान में आप कॉलन एंड डिवीजन साइन को मार्क कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज 1:3. इस तरह से हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. मैथ्स में आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये कॉलन के साइन से, या आप इसको डिवाइड के साइन से या स्लैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन, मीन टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियो बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी. दो रेशियोज को आमने सामने रख के इक्वालिटी के साइन से कंपेयर करते हैं, को आप कहते हैं प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज द प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज. वॉट इज प्रोपोर्शन, इट इज एक्चुअली द कंपेरिजन बिटवीन टू रेशियोज. इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए कॉलन बी, देन ये प्रोपोर्शन का साइन है, टू कॉलन्स, और फिर सी कॉलन डी, ठीक है. आप इसको रेशियो पढ़ सकते हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल टू या प्रोपोर्शन इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी. When three values in a proportion are known, the fourth one. अच्छा, proportion का फायदा क्या है कि जब हमें, जैसे यहाँ example है हमारे पास A, B, C, D. अगर मुझे A की value पता हो, B की पता हो, C की पता हो और D की ना पता हो, मैं उसको X consider कर लूँ, तो I can find out the value of X. Just like mathematics में आप इस तरह करते हैं कि आपके पास proportion के जो question होते हैं, आपके पास तीन values होती हैं, तो आप fourth one आराम से फाइंड कर लेते हैं. तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा सिग्निफिकेंस है हमारा प्रोपोर्शन का, हमें फायदा क्या है कि द अननोन वैल्यू, द फोर्थ वैल्यू कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल वो दे रहा है, अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट द मलेरिया व्हेन ही अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज. अब क्या था कि उसने इस एग्जाम्पल में क्या है कि उसने ये पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका था, वो उसने 20 स्पैरोज ली और 20 स्पैरोज को उसने मॉस्किटोज जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे उन्होंने बाइट किया 20 स्पैरोज में, और उसका रिजल्ट क्या आया, आउट ऑफ 20 14 जो ये स्पैरोज थी दे गॉट द मलेरिया. तो आउट ऑफ 20 14 गॉट द मलेरिया. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन ही वाज डूइंग द एक्सपेरिमेंट ही सॉ दैट 100 उसने ही टुक 100 हेल्दी स्पैरोज एंड दे वर बीटन बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो. अब वो कह रहा है मेरे पास अब क्या रिजल्ट आएगा, तो प्रोपोर्शन की मदद से वो अपना रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकता है. किस तरह, अगर 20 में से 14 स्पैरोज को मलेरिया हुआ देन हम ये फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकल रेशियो. तो फर्स्ट रेशियो थी 14:20, यानी कि आउट ऑफ 20 14 को मलेरिया हुआ. सेकंड रेशियो हमारे पास आई कि 100 में से वी डोंट नो हाउ मेनी गॉट द मलेरिया, एक्स रेशियो 100. तो मेरे पास जो फोर्थ वैल्यू है वो मेरे पास अननोन है, ठीक है. सो हाउ मेनी गॉट द मलेरिया आउट ऑफ 100 स्पैरोज वी डोंट नो. तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, लेट्स सी, ठीक है. तो हम प्रोपोर्शन का फार्मूला लगाएंगे, 14:20 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 100, ठीक है. और बिल्कुल उसी तरह मैथ्स का मेथड यूज करते हुए जिस तरह से आप करते हैं कि आप क्या करते हैं जब आप इक्वालिटी की दो तरफ रेशियोज को पुट करते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ और 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, ठीक है. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और एज अ रिजल्ट आपके पास जो यहाँ से आप एक्स को इधर ही रहने देंगे, ठीक है, और 20 ये वाला जो 20 है ये कहाँ चला जाएगा, ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये बन जाएगा एक्स इंटू 20 था ना, तो एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20. तो आपके पास ये आ गया और आपने x की वैल्यू आपके पास आ गई 70. इट मींस कि आउट ऑफ 100 70 गॉट द मलेरिया. तो ये उसने यूजिंग द प्रोपोर्शन उसने प्रिडिक्ट कर ली वैल्यू कि पहले मेरे पास 20 में से 14 आई थी तो अब मेरे पास 100 में से 70 स्पैरो जो है उनको मलेरिया होगा, ठीक है. इस तरह से हम प्रोपोर्शन की मदद से एक फोर्थ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अपने एक एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले किया हो तो अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इट मींस 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट द मलेरिया. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, तो इसका फायदा क्या है, एक्चुअली इट इज वेरी हेल्पफुल इन समराइजिंग द डेटा. और जितनी भी हमारी एवरेज वैल्यूज हैं, मीन वैल्यूज हैं, एवरेज वैल्यूज हैं, उनको आप कैलकुलेट करके आप अपने डेटा को
समराइज कर लेते हैं, और जब आप डाटा को समराइज कर लेते हैं तो आपके लिए स्टडी करना, कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, आप अपना कंक्लूजन आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट ट्रांसफर्स रॉ डाटा इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज टू समराइज। ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने बताया कि डाटा जब आपके पास आ सकता है तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप समराइज कर सकते हैं अपने रिजल्ट को और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रीकैप, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, आज हमने क्या पढ़ा है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस, उसकी इम्पोर्टेंस, वेज ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस, पर्पस, वेज ऑफ डाटा एनालिसिस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, असाइनमेंट आपकी क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में से रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज इन बायोलॉजिकल मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में ही जो जिस टॉपिक लिया हुआ है पेज नंबर 27 से, वहाँ आप देखें पेज नंबर 28 पे, सॉरी, डेटा एनालिसिस के अंदर आपको रेशियो और प्रोपोर्शन डिटेल में दिया हुआ है। आपने पूरा इसके साथ हेडिंग बनानी है, पहले रेशियो की उसकी एग्जांपल देनी है, प्रोपोर्शन की उसकी एग्जांपल, फिर साथ में जो टेबल मौजूद है वो भी आपने देना, और लास्ट में जो 3 इंपॉर्टेंस की लाइन्स है वो भी। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सक्सेस क्राइटेरिया, रिमेंबर द मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड व्हाइल सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिमेंबर द स्टैटिकल मेथड अप्लाइड फॉर एनालाइजिंग द डेटा दैट इज ऑल ऑर्गेनाइज। थैंक यू।